नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छतरपुर शहर में आज महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया, जहां युवा कांग्रेस द्वारा छतरपुर शहर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आज गुरुवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सबसे पहले तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठकर महंगाई से संबंधित गाने गाकर और चूल्हे से रोटियां बनाई। इसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष स्मिता खरे के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सहित अन्य सामग्री के बढ़े हुए दामों के कारण आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरोना के कारण लोगों के कामकाज बंद है और ऊपर से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण परेशानी दुगनी हो गई है। वहीं प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर महिलाओं ने महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर महिला कांग्रेस की ओर से सपना चौरसिया, लक्ष्मी चौबे, चंद्रमुखी चौरसिया, प्रियंका अग्रवाल, सबनम खातून, मंजू शर्मा, मिथिलेश सिंह, अभिलाषा हरवार, पूनम खरे, मुन्नी पिपरिया, सीमा सोमवती, संतोष सक्सेना आदि मौजूद रहे। जी, आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सरकार की जो नाकाम गंदी नीति है, नाकाम सरकार है, इसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, तो महंगाई बढ़ाने का तो ठीक है, हमारी रसोई पूरी खाली हो रही है क्योंकि इन्होंने हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर आज 860 रुपए हो गया है और आपका सरसों का तेल है, कोई भी तेल है, आप 200 से ऊपर हो गए हैं। आज एक मजदूर है, किसान है, सुबह रोटी लेके, अचार लेके, प्याज लेके वो घर से निकलता था, आज वो कैसे औरत अचार रखेगी कि सुबह उसका आदमी खाना लेके घर जाएगा। आप हर चीज़ में पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, आप 110 का पेट्रोल 111 रुपए का पेट्रोल हो गया है। तो ये कैसी सरकार है, कैसा इनका निर्णय है जो गरीब जनता को हर तरह से परेशान किए, मजबूर किए। आज महंगाई के संबंध में हम पूरी महिलाओं बहनों ने आंदोलन कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है और ये किसी की बात और गरीबों की कभी सुनती नहीं है और अपनी महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रही है। पेट्रोल डीजल के रेट आप जानते हैं कि 100 के बाहर है, पेट्रोल हो गया है 11 रुपये लीटर और ये सरसों का तेल आप जो घरेलू जितनी भी घरेलू रसोई में महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी एक बार झेल रही है। महिला कांग्रेस के द्वारा ये कहना है कि सरकार के द्वारा जिस तरह से वादे किए जा रहे थे कि महंगाई को सरकार बनने के बाद कम किया जाएगा, आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? आज हम लोग हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुष्मिता देव जी के निर्देश अनुसार हम लोग ये पूरे प्रदेश में आज महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ हम लोगों को 40 रुपए किलो सबसे कम मिलता था, आज वहाँ 240 रुपए किलो है। जो हम लोग 1 किलो लेते थे कभी, अब 200 ग्राम भी लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है और इतनी महंगाई बढ़ गई कि जहाँ 500 रुपए के सिलेंडर हुआ करता था, आज वो 860 रुपए का एक